नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। आज मैं बहुत ही खास उपाय लेकर आई हूं जो कि बजरंगबली से संबंध रखता है। यदि आप किसी भी घोर मुसीबत में हो, घोर संकट में हो और कोई दूसरा उपाय से बाहर निकलने का दिखाई ना पड़ता हो, कष्टों से घिरे हों या फिर आप ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करना चाहते हों, यदि आपको इनकी लालसा है या फिर धन प्राप्ति के लिए आप बहुत ही बेचैन रहते हों और फिर भी धन आपके हाथ नहीं लगता हो, या फिर परेशानियों से आप मुक्ति की इच्छा रखते हों, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो के एक एक पॉइंट को यदि आप सुनेंगे ना, तो यकीन मानिए आपके जीवन से परेशानियां तो वैसे भी छूमंतर हो जानी है। बहुत ही अचूक से आज मैं तीन उपाय लेकर आई हूँ। ये तीन उपाय आपके जीवन के सारे कष्टों को धीरे धीरे कब दूर कर देंगे, इस बात का आपको एहसास तक नहीं होगा, अंदाजा भी नहीं होगा ये कितना आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। इसके साथ ही इन तीन उपायों के साथ चौथा अचूक उपाय मैं आपसे शेयर करूंगी, जो सबसे लास्ट में करूंगी, और वो एक ऐसा उपाय है जो इन सभी चीजों का बाप बनने वाला है। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा आप जैसे भी कर लो, उसका लाभ तो आपको प्राप्त होना ही है। भक्तों को कभी भी बजरंगबली निराश नहीं करते हैं, फिर वो पूजा आप जैसे भी करते हो, हर वो पूजा स्वीकार की जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही असरदार तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप बजरंगबली की पूजा में इन चीजों को अर्पण करते हैं, उन्हें चढ़ाते हैं, तो विशेष कृपा की प्राप्ति होती है, विशेष आपको फल इससे प्राप्त होते हैं और आपके बड़े से बड़े संकट भी इससे दूर होते हैं। तो पहला उपाय है पान का बीड़ा। आप सभी जानते होंगे पान कितना शुभ माना जाता है और हमारे धर्मों में, हमारे रीति रिवाजों में पान की भूमिका बहुत ही अहम है। हर खास चीज में पान का प्रयोग तो होता ही है, फिर चाहे वो नवरात्रि की पूजा हो या फिर स्वामी सत्यनारायण की पूजा हो, हर चीज में हम पान का उपयोग करते हैं। यदि आप ऐसे में पान का एक बीरा बजरंग बली को अर्पण करते हैं, तो समझ लें कि आपका कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो या फिर जोखिमों से भरा हुआ कोई भी कार्य हो, निश्चित रूप से वो कार्य आपका बन कर रहेगा, इसमें कोई भी संचय नहीं है। बजरंगबली को पान का बीरा अर्पण करने का मतलब ही होता है अपने जितने भी दायित्व हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, आप उनसे बहुत थक गए, परेशान हो गए हैं और उनका कोई दूसरा तोड़ नहीं निकल रहा है, या फिर आप अथक प्रयास कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही हो, आप बजरंगबली को ऐसे में पान का बीरा अर्पण करें और पान का बीरा अर्पण करने के साथ ही इस बात की कामना करें, हे प्रभु, मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी आपके हवाले रखी है, अब इसे कैसे पार लगाना है ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे जैसे भी हो पार लगा दें। आप करके देखें, अनगिनत फायदों की प्राप्ति आपको होने वाली है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके मन में जो भी आपकी इच्छा है, वो इच्छा आपको इस दौरान में भगवान बजरंगबली से जरूर रखनी है, आपकी वो मनोकामना जल्द इस तरह से पूर्ण होती है। ये जिम्मेदारी हनुमान जी की होती है कि किस प्रकार से वो आपकी इच्छा को अब पूर्ण करेंगे। दूसरा है लौंग और इलायची। हनुमान जी को लौंग और इलायची बहुत पसंद है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं, उन्हें खास तौर पे हम तांबूल जरूर अर्पण करते हैं हर पूजा में। लौंग और इलायची के कोई भी आप टोटके करके देख लें, अन्य जो भी आप टोटके करते हैं उनसे कई गुना ज्यादा प्रभावकारी और असरदार होता है लौंग और इलायची के टोटके, ये इतना असरदार है। अब आप समझ ले कि यदि आप इसमें इतनी शक्ति समाहित है कि आपके बड़े बड़े कार्यों को बना सकती है, फिर वो आप साक्षात हनुमान जी को ही अगर ये अर्पण कर रहे हैं, तो इससे आपको मिलने वाले फायदों के बारे में आप सोच कर देखें। नहीं समझ पा रहे हैं ना, आप जरूर अर्पण करें और उसके बाद आप चमत्कार देखें। दूसरा आपको उपाय इसमें खास तौर पर ध्यान रखना है, जब आप लौंग और इलायची बजरंग बली को अर्पण कर दें, उसके बाद आपको एक दीपक लेना है। यदि वो आटे का दीपक ली तो और भी ज़्यादा शुभ होता है, इससे कोई भी मनोकामना जल्द पूरी होती है। उसमें आपको डालना है लौंग और लौंग डालने के बाद इससे अब आपको हनुमान जी की आरती करनी है। करके देखें, इससे धन की प्राप्ति होती है, संकट दूर होता है, बड़े से बड़ी मुसीबत भी आपकी टलने लग जाती है। तो ये बहुत ही कारगर उपाय है।
और वो है गुड़ और चने का प्रसाद। वैसे तो आप बजरंग बली को कोई चीज का भी भोग लगा दें वो उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन गुड़ और चने का जो ये भोग लगाया जाता है, ये प्रसाद जो लगाया जाता है, ये खास कर और भी ज्यादा प्रभावी होता है। दोस्तों ये एक मंगल का उपाय है, यानी कि मंगल के दोष को मिटाता है। यदि मंगल का दोष आपकी कुंडली से मिटता है तो जीवन में मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है, बल आपको मिलता है और इसके साथ ही हर जगह आपका परचम लहराता है। तो समझ लें कि ये कितना प्रभावकारी है। तो आप ऐसे में गुड़ और चने का भोग जरूर लगाएं, खासकर शनिवार और मंगलवार को, तो इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होती हैं और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब आते हैं विशेष उपाय के बारे में। यदि आप भारी कर्ज में डूबे हुए हैं या फिर कर्ज आपके सर से उतरने का नाम ही नहीं लेता, यानी कि ये एक कर्ज अभी आपका समाप्त नहीं हुआ है और दूसरा कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया है, तो ऐसे में आपको ये उपाय बहुत ही करना जरूरी हो जाता है। करना क्या है, आटे का एक दीपक लेना है, उसमें चमेली का तेल डालने और बड़ के पत्ते पर आपको इस दीपक को रखना है। दीपक की जो बाती है वो आप गोल लगाएं, याद रखें दीपक की बाती गोल लगाएं। अब पांच पत्ते आप ले लें, पांचों पत्ते पर आपको ये दीपक रखना है। उसके बाद हनुमान मंदिर में आपको ये दीपक अर्पण करना है। ऐसा लगातार कम से कम 11 मंगलवार करें और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाने से शनि की बाधा भी वैसे दूर होती है। तो ये बहुत ही कारगर उपाय है। उपाय को करके देखें, जीवन में आ रही मुसीबतें खत्म होने लगती हैं और कर्ज से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों इन उपायों को करके देखें जरूर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।